नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 100 रुपए 91 पैसे और डीजल 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सिरसा का डबवाली प्रदेश का ऐसा पहला क्षेत्र है जहां पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया है। डबवाली में पेट्रोल 100 रुपए 6 पैसे बिक रहा है जबकि डीजल 91 रुपए 84 पैसे पर हो गया है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 42,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1,206 मरीजों की जान गई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा है। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त देखी गई है। 24 घंटे में 45,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,992 नए मरीज मिले जबकि 10,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 738 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 81 से ज्यादा केस मिले हैं। 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 700 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 57 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 9 लोगों की जान गई। 89 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 900 से ज्यादा। बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 16 जुलाई से राज्य के 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने जा रहे हैं। 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं को स्कूल खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर कहा है। शिक्षा विभाग के मुताबिक 1ली से 5वीं तक का निर्णय बाद में लिया जाएगा। स्कूल खोलने पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब हरियाणा में हालात बिल्कुल सामान्य है। कोरोना के नए केस बहुत ही कम है। परिस्थिति को देखने के बाद फैसला लिया गया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अगर माहौल ठीक रहा तो उसे छोटे कक्षाओं को खोलने का भी निर्णय लिया जाएगा। उसकी अभी तक कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा और स्कूल खोलने की तैयारी भी अभी भी पूरी कर ली गई है। भिवानी में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। गांव खरक कलां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति के लिए आई महिला को घंटों इंतजार करना पड़ा। गर्भवती महिला घंटों इंतजार करती रही लेकिन केंद्र पर चौकीदार तक नहीं मिला। पीएचसी में डिलीवरी हट बनाया गया है जहां 24 घंटे स्टाफ होना चाहिए। बार बार चक्कर काटने के बाद गर्भवती महिला को पीएचसी में शाम को आने को कहा गया। पीड़िता के परिजनों ने अव्यवस्था का वीडियो बनाकर वायरल किया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मसूरी में प्रवेश करने के लिए सभी सैलानियों को कोरोना नेगेटिव जांच रिपोर्ट साथ लाना अनिवार्य कर दिया गया। पुलिस किमाड़ी और कुठाल गेट में चेकिंग चलाकर लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट, रजिस्ट्रेशन और होटल बुकिंग करवाई गई। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी की तपिश बढ़ने के बाद पहाड़ों की रानी मसूरी में सैलानियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। शहर में पहुंच रहे सैलानी कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले देश में कम हो रहे हैं। कम होते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में सामने आ रहे कोरोना के कुल नए मामलों में 32% केरल से सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मसूरी की कैंपटी फॉल्स का वीडियो भी देखा गया जहां कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई लोग देखे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जब कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों की ये तस्वीरें देखते हैं तो डर लगता है। उन्होंने कहा कि क्या ये कोरोना वायरस को हमें संक्रमित करने के लिए खुला निमंत्रण नहीं है।
डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि पर्यटन होना चाहिए, वहां आजीविका भी होनी चाहिए, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये ऐसा करने का सही समय नहीं है, हम इसे वहन नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत में लंबाडा वेरिएंट से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पेरू में फैला और अब तक देश में इसका कोई मामला नहीं मिला है। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके उत्साहवर्धन के लिए मेडल जीतने पर उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को भी 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। पलवल के होजल में बस स्टैंड बनाने को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पुराने बस स्टैंड पहुंचे, कहा कि मुख्यमंत्री ने होजल में नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की थी और वो उसी के लिए जमीन का निरीक्षण करने के लिए आए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का आदेश है कि होटल में भव्य और सुंदर बस स्टैंड का निर्माण हो। होटल शहर हरियाणा का अंतिम शहर है और यहां से आगरा, मथुरा, राजस्थान और दिल्ली के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के लिए जाने के लिए हाईवे है। महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि इन प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि देश प्रदेश की जनता कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज सब कुछ भुगत रही है। पलवल की प्रकाश कॉलोनी में प्रशासन की लापरवाही के चलते घरों से बाहर गंदा पानी बह रहा है, जिससे लोग अपने मकान बेचने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कई मकानों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए गए हैं। नगर परिषद का पानी निकासी के लिए प्रकाश विहार में कोई नाला नहीं है। NH1 एक नाले में अब तक पानी को डाला जा रहा था, लेकिन नाले का निर्माण कार्य धीमी गति से होने के चलते पानी लोगों के घरों के बाहर ही जमा हो रहा है। मामले को लेकर नगर परिषद कमिश्नर का कहना है कि इस समस्या को दूर करने के लिए कोशिश जारी है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। नाले की सफाई कराई जा रही है ताकि पानी निकासी हो सके। जाखल पुलिस ने बाजीगर बस्ती के घर में नशीला पदार्थ की सूचना होने पर बिना महिला पुलिस के दबिश दी और पुलिसकर्मी और महिलाओं के बीच हाथापाई हुई। पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए सफल रही। जो वीडियो सामने आई है उसमें थाना प्रभारी सहित बाकी पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला पुलिस के किसी काम में व्यस्त होने के चलते वो साथ नहीं जा पाई। गुरुग्राम में अमेजॉन कंपनी का फर्जी कर्मचारी बनकर धोखाधड़ी करते हुए अमेरिका मूल के लोगों के साथ ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का सीएम फ्लाइंग टीम ने भंडाफोड़ किया। फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किए जा रहे 2 हार्ड डिस्क मोबाइल फोन को सीएम फ्लाइंग टीम ने आरोपियों के कब्जे से बरामद किया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पलवल में महिला को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। आरोपी पीड़िता को बहाने से एक मकान में लेकर गया था, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर वारदात को अंजाम दिया गया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। चंडीगढ़ में बदमाशों ने गाड़ी पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। बदमाशों ने पहले गाड़ी पर रोड से हमला किया और फिर गाड़ी के शीशे तोड़कर आग लगा दी। कार से उठती लपटें देखकर मालिक ने पुलिस और फायर विभाग को मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरे खंगाले। अनाज मंडी में ट्रैक्टर चोरी कर ले जा रहे एक व्यक्ति को ट्रैक्टर मालिक ने देर रात पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोरी की हो रही घटनाओं पर रोष जताने काफी संख्या में आढ़ती और व्यापारी पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। दरअसल बीती रात को अनाज मंडी की एक दुकान के बाहर से किसी अज्ञात व्यक्ति ने ट्रैक्टर चोरी कर लिया, लेकिन थोड़ी दूर के बाद ही वह पकड़ा गया। कैथल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के रोष प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले जवाहर पार्क में इकट्ठा हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए विहोवा चौक पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार देना तो दूर, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। पानीपत के इसराना विधानसभा से विधायक बलबीर वाल्मीकि के भाई का 4 दिन बाद भी
कोई सुराग नहीं मिला है। 5 जुलाई की शाम से बगैर कुछ बताए घर से लापता हुए। पुलिस कप्तान से मुलाकात करने पहुंचे विधायक बलबीर वाल्मीकि ने अपने भाई की जल तलाश के लिए चर्चा की, साथ ही जिले के सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक करवाने के लिए कहा। फतेहाबाद में जल शक्ति अभियान के तहत उपायुक्त ने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जल के दुरुपयोग को रोकना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य और नैतिक दायित्व। नूह में गर्मी का सितम लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। गर्मी के चलते पंखा कूलर के बिना गुजारा करना भारी हो गया है और जिससे बिजली के बिल भी ज्यादा आ रहा है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भीषण गर्मी के चलते हो रही बीमारियों को लेकर के पूरी तरह से सतर्क है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों को जांच के बाद निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है। सोहना के गांव खोबर में कुछ दबंग लोगों ने मामूली बात को लेकर के घर में घुसकर महिला और बच्चों पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने पीड़िता के बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता का कहना है कि मामूली झगड़े के बाद दबंगों ने उनके घर में आकर मारपीट की। पंचायत समिति गोहाना के कुल 24 वार्डों में से 11 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, साथ ही अनुसूचित जाति के लिए कुल 5 वार्ड आरक्षित किए गए, जिनमें 2 वार्ड अनुसूचित महिलाओं के लिए भी शामिल है। कुरुक्षेत्र में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि कांग्रेस साइकिल रैली निकालेगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से हाहाकार मचा है, आम जीवन यापन की हर चीज महंगे हो गई है, या अगर ना ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द कर रही है। पंचकुला को इंक्रोचमेंट फ्री करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ साथ नगर निगम पंचकुला भी अब ड्राइव शुरू करेगा। आज से नगर निगम पर मास ड्राइव शुरू करने जा रहा है। नगर निगम के डीएमसी ने बताया कि एनक्रोचमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी। पंचकुला को एनक्रोचमेंट फ्री किया जाएगा। नगर निगम एनक्रोचमेंट करने वालों पर पहले ₹500 जुर्माना लगाया जाता था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब जुर्माने के तौर पर ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक जुर्माना लिया जाएगा। झज्जर के गांव में मासूम के गले में घर की छत पर कपड़े सुखाने के लिए लगाई गई रस्सियों का फंदा खेल खेल में लग गया। अचानक लगे फंदे से बच्चे का दम घुट गया और उसने मौके पर दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने पर मासूम के परिजन उसे आनंद फानंद में इलाज के लिए निजी अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहतक में एक नई मुहिम की शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन और सामाजिक संस्था ने मिलकर 6 बसों की शुरुआत की है, जो अब गांव-गांव जाकर वैक्सीन लगाएगी और लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के प्रति जागरूक भी करेगी। कैथल में पूरा होने से पहले ही हाईवे 152D का निर्माण विवादों में आ गया है। हाईवे निर्माण में प्रयुक्त होने वाले सीमेंट के पुलिस ने 101 कट्टे पकड़े, जो कि गोदाम से ट्रॉली में लोड करके ले जाए जा रहे थे। बता दें कि फरवरी महीने में डुलियणी गांव के नजदीक निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसमें घटिया सामग्री के आरोप लगे थे और NHAI के बड़े अधिकारी मौके पर जायजा लेने पहुंचे। कैथल के डीसी ने भी मौके का मुआयना किया था और SDM को जांच सौंपी थी। ये सीमेंट पुल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले गोदाम से ही बेचा जा रहा था। जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन पुल गिरने वाले मामले की जांच रिपोर्ट में बड़े तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में लगभग 1,000 किराएदार सरकारी संपत्ति के मालिक बनेंगे। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम ने यह फैसला लिया है। इस योजना में ऐसे व्यक्ति स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करने के योग्य है जो कि पालिकाओं की तहबाजारी पर भूमि किराए पर दुकान या मकान लीज लाइसेंस फीस पर 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि से काबिज है। प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना को लागू कर इन संपत्तियों को इन पर काबिज लोगों को कलेक्टर रेट से भी कम कीमत पर बेचने का फैसला लिया है। कैथल के देर रात चाइनीज डोर मांझा से उलझकर 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी हुए। इससे पहले चाइनीज डोर के वजह से दुर्घटना होने से 2 लोगों की हो चुकी है मौत।
उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जल्दी इस बारे में दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। कुछ समय पहले सरकार ने चाइनीज डोर की बिक्री पर रोक लगाई थी, परंतु दुकानदार अब भी धड़ल्ले से चाइनीज डोर मांझा बेच रहे हैं। करनाल में जिला पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट विंग को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। टीम ने करनाल के एक बड़े बाइक चोर गिरोह को काबू किया है, जिनसे 18 मोटरसाइकिल और एक स्कूटर बरामद किया। 5 सदस्यों के गिरोह में 4 नाबालिग छात्र भी शामिल है। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे चोरी की और भी खुलासे हो सकते हैं। फतेहाबाद में गैस सिलेंडर सप्लायर से लूट करने के मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल एक युवक को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव ब्राह्मणवाला के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से लूट की वारदात से इस्तेमाल हुई बाइक को भी बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक बचे हुए आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। सोनीपत में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे, इसी के चलते सोनीपत में मॉडल टाउन में स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 2 हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक अभी कैश की गिनती नहीं हो पाई है, लेकिन लगभग 7 से 8 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने शहर में नाकेबंदी करवा दी है, हालांकि लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर बदमाशों की तलाश जारी है। हिसार में 350 किसानों पर एफआईआर दर्ज मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल कमिश्नर से मिलने पहुंचा है। 1 महीने बीत जाने के बाद भी रद्द नहीं हुई एफआईआर। 24 मई को कमिश्नर से मीटिंग में हुआ था एफआईआर रद्द करने का समझौता। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि अब प्रशासन का रुख बदल गया है। उन्होंने कहा कि पहले जो समझौता हुआ था उस पर कायम नहीं है। संयुक्त मोर्चा के नेता ने बताया कि प्रशासन के साथ केस वापस लेने का समझौता हुए 1.5 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन इस मामले को लेकर लटका कर प्रेशर बना रहा है। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन किया है कि मामला प्रोसेस में है और जल्द ही निपट जाएगा। इसको लेकर हमने फैसला लिया है कि 24 जुलाई तक ये केस रद्द नहीं होते तो संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति पर फैसला लेगा। डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें प्रति एकड़ 1000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि पहले 1 एकड़ की जुताई के लिए उन्हें 500 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब उन्हें 800 रुपए तक देना पड़ रहा है। और वहीं अब मजदूरों ने भी 2500 रुपए प्रति एकड़ धान रोपाई के लिए 3500 तक रेट बढ़ा दिए हैं। जींद में हरियाणा पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां डीएसपी ने सड़क हादसे में घायल 2 गंभीर घायलों को अपनी गाड़ी में सामान्य अस्पताल तक पहुंचाया। दरअसल डीएसपी ने कहा, जींद कैथल रोड पर शहर से गुजर रहे थे, इस दौरान 2 बाइकों की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। डीएसपी जितेंद्र खतकड़ ने उसी रास्ते से अपने उचाना स्थित कार्यालय के लिए निकल रहे थे और घायलों को देखते हुए तुरंत गाड़ी रोककर वापस शहर की तरफ गाड़ी को मोड़ा और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गुरुग्राम के प्राइवेट अस्पतालों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 50 से ज्यादा बेड वाले अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया। गुरुग्राम में 50 से ज्यादा बेड वाले 43 निजी अस्पताल है। दरअसल तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। पलवल जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर रेखा ने बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति को अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी या फिर जिनके घर में पहले से ही टीबी केस है तो वे सरकारी अस्पताल जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आशा वर्कर घर घर जाकर सर्वे करेंगी। सभी आशाएं अपने पोस्टेड जगह पर जाकर लोगों का संपर्क कलेक्ट करेंगी। जिनको 2 हफ्ते से खांसी होगी या जिनके घर में पहले से टीबी के मरीज है उनके सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति टीबी के मरीज को अस्पताल लेकर जाता है तो उसे इनाम के रूप में 500 रुपए दिए जाते हैं और हर मरीज को भी उसके खाते में पौष्टिक खाना खाने के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपने ट्रेनर और बॉडीगार्ड का जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। तस्वीरों में उन्हें पहचान पाना काफी मुश्किल है। दिलचस्प ये है कि उनके लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। टीवी जगत की फेमस अभिनेत्री शगुफ्ता अली आर्थिक तंगी के कारण परेशान हैं। शगुफ्ता अली कलर्स टीवी के फेमस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के सेट पर पहुंची और कई बातें साझा की। शो की टीम की ओर से मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने उन्हें 5 लाख की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया। कृति सेनन ने अपनी आगामी फिल्म
मिमी का पहला पोस्टर जारी कर दिया है। इस फिल्म में उनके अलावा पंकज त्रिपाठी, मनोज पाहवा और सुप्रिया पाठक की अहम भूमिका है। पोस्टर में कृति सनन को मजेदार अंदाज में पोज देते हुए देखा गया है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की। इस फोटो में करीना अल्ट्रासाउंड की कॉपी दिखाते हुए नजर आई। करीना ने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के अनुभव को किताब में संजोया है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट 27 जुलाई घोषित कर दी है, लेकिन अभी तक इसका ट्रेलर रिलीज नहीं होने से इसकी रिलीज पर संशय में बादल मंडरा रहे हैं। ऋतिक रोशन पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फाइटर में दीपिका और ऋतिक की जोड़ी दिखाई देगी। सिद्धार्थ इससे पहले ऋतिक को लेकर फिल्म वार बना चुके हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस 17 सितंबर 2020 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। ये जानकारी अभिनेता अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए दी। आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक है। अब आलिया हॉलीवुड में तहलका मचाने की तैयारी में है। खबर है कि आलिया ने हॉलीवुड की लीडिंग इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी WME के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आमिर खान और किरण राव ने हाल ही में तलाक लेने का निर्णय लिया। अब दोनों को लाल सिंह चड्ढा के सेट पर स्पॉट किया गया है। दोनों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक्ट्रेस मौनी का हॉट लुक हुआ वायरल। एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने हॉट एंड बोल्ड लुक को लेकर काफी चर्चा में रहती है। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही है।